Hello, my name is Shubham Rohela, professional mechanical engineer, along with a proud digital networker as well as video sales expert. So, guys, अगर YouTube पे मुझे पहली बार देख रहे हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ये खुराफाती इंजीनियर का चैनल है. कहीं ना कहीं आपके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में एक डेफिनेटली पॉजिटिव इंपैक्ट दे सकता है. आई एम 100% श्योर अबाउट इट. सो गाइज, बहुत लोगों का मैसेज आया कि भैया फॉरएवर में नया मार्केटिंग प्लान आ गया, आपकी वीडियो कहाँ है. इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों ने, व्हाट्सएप पे मेरे बहुत सारे लोगों ने बोला. मैंने उनको बोला भी था कि यार आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड टू मेक दिस वीडियो, मैं नहीं बनाने वाला हूँ वीडियो, बट दे वर लाइक नहीं, हमें आपकी वीडियो ही देखनी है. और बहुत सारे मैसेज आए. सो इस प्यार के लिए थैंक यू सो मच गाइस. सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगा कि पीपल वर लाइक वेटिंग फॉर माई वीडियो कि यार आपकी वीडियो कब आएगी, क्योंकि आपकी वीडियो से हम समझना चाहते हैं. वो बोल रहे हैं कि ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज वैसे आ चुकी हैं लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा, आप अपने स्टाइल में, हमें आपके स्टाइल से ही समझनी है. सो इवन दो दे आर नॉट फ्रॉम माई टीम, मेरी टीम से भी नहीं है वो, फिर भी मेरे को बोल रहे हैं कि हम आपकी टीम, मतलब आप जिस तरह से समझाते हो आप उसी तरह समझाओ, आपके समझाने का तरीका बहुत अच्छा होता है. सो ये इस टाइप के कॉम्प्लीमेंट्स मुझे मिले उसके लिए थैंक यू सो मच गाइज. अब मैं समझाऊंगा किस तरह से. येस यू आर राइट, मैं इनसे ही समझाऊंगा आपको. जिस तरह से मैंने पहले आपको समझाया था, पूरा मार्केटिंग प्लान समझा रखा है और वो वीडियो मेरी बहुत ज्यादा वायरल होती है, बहुत लोग शेयर करते हैं और सबको बहुत अच्छा भी लगता है मेरा समझाने का तरीका. सो कहीं ना कहीं मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि चलो मैं कुछ कर रहा हूं तो लोगों को अच्छा लग रहा है. ठीक है, अब सबसे बड़ी बात, बहुत लोगों का कमेंट सेक्शन में ये भी आ रहा था कि भैया ये क्या है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं. इनको हम बोलते हैं लाफिंग बुद्धा. ठीक है, आई जस्ट लव लाफिंग बुद्धा क्योंकि ये हमेशा हंसते रहता है, तो मैं भी हमेशा हंसना ही चाहता हूं. इस तरह के स्माइलिंग फेस ही मेरा, मैं कोशिश करता हूं कि हमेशा रहे. सो बहुत लोगों ने पूछा आपने लिए कहां से ये, तो ये लाफिंग बुद्धा है, मैंने दिल्ली से रोड साइड ही लिए थे. और कितने के हैं ये, 50 रुपये पर पीस था. दिल्ली दिवाली के टाइम मैंने लिया था दिल्ली के रोड साइड से. ठीक है, एक आंटी थी बहुत अच्छा बेच रही थी, मुझे अच्छा लगा क्योंकि ये क्यूट बहुत है. आप देखो इनका फेस देखो, बहुत ज़्यादा क्यूट है, बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा क्यूट लगे थे उस टाइम मुझे. तो इसी के थ्रू फिर एकदम अलग दिन रात को बैठा था, मुझे आइडिया आया कि क्यों ना मार्केटिंग प्लान इस तरह से समझाया जाए. और आज मैं ये जो फॉरएवर का नया मार्केटिंग प्लान है इसको भी मैं इसी तरह से समझाने वाला हूँ. एंड गाइज देखो, अभी 100% श्योरिटी नहीं है कि मैं जो बोलूंगा 100% राइट बोलूंगा कि नहीं. हाँ 90-95% मैं सब कुछ सही बोल दूंगा, लेकिन हो सकता है 4-5% कुछ मेरे अंदर भी कमी हो, क्या पता मैं कुछ गलत बोल दूँ. तो अगर आपको पता है मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. ठीक है, कोई हेट मत फैलाना कि अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो. ठीक है, लेकिन मैं पूरा ट्राई करूंगा कि आपको समझ में आए कि अब फॉरएवर करना आसान क्यों हो गया है. यस गाइज, फॉरएवर करना बहुत आसान हो गया है, बहुत ज़्यादा आसान हो गया है. फॉरएवर ने उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया है जो और दूसरी कंपनीज के लोग फॉरएवर को गलत बोलते थे कि पहले 30,000 लगते हैं तब नेटवर्क बना सकते हैं. नहीं यार, 5,000 करो अब नेटवर्क बनाओ ना. सो क्या पूरा चेंजेस हुआ है, आइए देखते हैं. सो गाइस चलिए शुभम के तरीके से वापस समझते हैं नया मार्केटिंग प्लान, जो नई पॉलिसी आई है वो क्या आई है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं. ठीक है, अब सबसे पहले समझते हैं. ये है हमारा एक नोवस कस्टमर, ये है असिस्टेंट सुपरवाइजर, ये है सुपरवाइजर, ये है असिस्टेंट मैनेजर और ये है मैनेजर. ठीक है, मैनेजर हटा देते हैं हम यहाँ से, हम असिस्टेंट मैनेजर हटा देते हैं यहाँ से, हम सुपरवाइजर हटा देते हैं यहाँ से. जो भी चेंज हुआ है इन दोनों के बीच की बात है, यहाँ पे चेंज हुआ है. ये नोवस कस्टमर और असिस्टेंट सुपरवाइजर के बीच में जो चेंज हुआ है वो हुआ है, बाकी का ऊपर का सारा मार्केटिंग प्लान बिल्कुल सेम है. ठीक है, अब फॉरएवर पहले क्या कहती थी, अगर आप एक असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, ठीक है, और अगर आप किसी भी, अगर वैसे आप जैसे नोवस कस्टमर हो, जैसे आप इसको लेके चलते हैं, पहले आप नोवस कस्टमर हो, ठीक है, और किसी भी 2 consecutive months में अगर आप 2 CC का बिजनेस करते हो, दैट मीन्स 28 to 30,000 का बिजनेस अगर करते हो, यू विल बिकम AS और तभी आप अपना नेटवर्क बढ़ा सकते थे, तभी आप नेटवर्क बढ़ा सकते थे फॉरएवर के अकॉर्डिंग, इससे पहले जो पॉलिसी थी. लेकिन अभी जो नई पॉलिसी आई है, आफ्टर 21 जनवरी जो पॉलिसी आई है वो बहुत जबरदस्त है. अब क्या कर सकते हैं, अगर एक असिस्टेंट सुपरवाइजर है, अगर वो आज किसी को हायर करता है, जैसे किसी को ज्वाइन कराता है, ये एक नोवस कस्टमर आया असिस्टेंट सुपरवाइजर के साथ, ठीक है, अब इसको भी असिस्टेंट, इसको भी पहले क्या होता था कि यार इसको भी पहले AS बनना पड़ता था तभी ये नेटवर्क बना सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है. अब ये अगर 5,000 की बिलिंग कर लेता है, ये असिस्टेंट सुपरवाइजर एक नोवस कस्टमर को अगर 5,000 रुपये की बिलिंग कर लेता है तो ये भी एलिजिबल हो जाता है अपना नेटवर्क बढ़ाने के लिए. ठीक है, पहले क्या होता था, पहले 2 CC इसको करनी पड़ती तभी ये नेटवर्क बना सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है. ये नोवस कस्टमर रह के भी अपना जो नेटवर्क है वो बढ़ा सकता है. अब इसको करना क्या पड़ेगा, इसको 5,000 की बिलिंग करनी पड़ेगी. अब 5,000 में CC से कोई मतलब नहीं है, 5,000 की बिलिंग होनी चाहिए, चाहे आप उसमें कैटलॉग खरीद लो, चाहे आप उसमें कुछ भी खरीद लो. अगर आपके पूरे कार्ट पे 5,000 की बिलिंग हो गई विद GST, आप पूरा 5,000 कर दिया, दैट मीन्स आप नोवस कस्टमर, एक ऐसे नोवस कस्टमर बन जाओगे जो कि नेटवर्क अपना बना सकता है. सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है. ठीक है,
अब आपको लग रहा होगा कि मतलब इसको फिर एएस नहीं करना पड़ेगा, नहीं इसको एएस करना पड़ेगा। जैसे अगर आज मैं बात करूं, अब अगर जनवरी चल रहा है और जनवरी में इसने 5000 की बिलिंग करी, अगर इसने फरवरी तक 25000 की बिलिंग और नहीं करी, मतलब 2CC कंप्लीट नहीं करा, तो इसके ये एएस कभी नहीं बनेगा। ठीक है, अब इसके ड्रॉबैक्स क्या होंगे, इसके फायदे क्या होंगे, मैं एक चीज और बताता हूँ आपको। ये एएस हो गया, ये नोवस कस्टमर आ गया, ये 5000 वाला है। ठीक है, 5000 जैसे ये करता है तो इसको तो 20% चलाया जाएगा, क्योंकि ये इसने ये एएस ऑलरेडी है। ठीक है, अब जैसे ये नेटवर्क बनाता है, अब मान के चलते हैं एक ये नोवस कस्टमर और है, ये एएस है, इसके नीचे एक नोवस कस्टमर जिसने 5000 रुपए की बिलिंग कर ली, दैट मीन्स ये एलिजिबल हो गया अपने नेटवर्क बनाने के लिए। तो एक नोवस कस्टमर इसके पास आता है, ठीक है, और ये भी अगर इसके साथ 5000 की बिलिंग करता है, ये भी असिस्टेंट सुपरवाइजर, ये भी ये नोवस कस्टमर और ये भी नोवस कस्टमर, ये डायरेक्ट इसके अंडर ज्वाइन हुआ क्योंकि अब ये ज्वाइन करा सकता है, और इसने अगर 5000 रुपए की बिलिंग करी, दैट मीन्स क्या होगा, इससे जो कमीशन आएगा वो 15% तो इसको आएगा और 5% इसको चला जाएगा। दैट मीन्स कमीशन अभी भी 20% ही बढ़ रहा है, लेकिन वो कमीशन ब्रेक हो गया 15% और 5% में। अगर ये 5000 की बिलिंग करता है तो 5000 का जो 15% होगा, दैट मीन्स 750 रुपए इसको मिलेंगे और जो 250 रुपए वो इसको मिल जाएंगे ऑटोमेटिकली। इसको यहाँ पे 4CC करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो वैसे ही सुपरवाइजर में करना पड़ता है, लेकिन यहाँ इसके लिए बिल्कुल पैसिव इनकम हो गई है। ये पैसिव इनकम को अभी से एंजॉय कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि अगर ये एएस नहीं बना तो इससे जो भी आएगा इसको 5% इसको मिलता रहेगा। ठीक है, अब बहुत लोगों के दिमाग में आया होगा कि फिर तो इसको एएस नहीं करना पड़ेगा, नहीं इसको एएस करना पड़ेगा। बहुत लोगों के दिमाग में ये भी आया होगा कि ऐसे करूंगा मैं 5000 की बिलिंग करूंगा, मैं एक 5000 वाला ले आऊंगा, फिर एक 5000 वाला ले आऊंगा, फिर एक 5000 वाला ले आऊंगा, तो ऐसे करते करते इसका इसका जो ये वाला है इसका एएस कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, इसको अपनी आईडी से एएस करना ही पड़ेगा तभी ये एएस बनेगा, वरना एएस कभी नहीं बन सकता। इसको किसी भी 2 consecutive मंथ्स में 2CC का बिजनेस करना ही पड़ेगा अपनी आईडी से, तभी ये एएस बन पाएगा, वरना नहीं बन पाएगा। ठीक है, अब एक बात करते हैं, जैसे इसने इसको ज्वाइन कराया, ये भी 5000 वाला था, इसने एक बंदे ने और इसको ज्वाइन कराया, इस बंदे ने इसको ज्वाइन कराया, ठीक है, तो ये भी इसने भी अगर 5000 की बिलिंग करी तो 15% मिलेगा वो इसको मिलेगा, 5% इसके ऊपर वाले एएस को मिल जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखो, इस बंदे ने क्या करा, सिर्फ 5000 खर्च करे हैं, लेकिन दो अगर इसने ज्वाइन करा दिए, 750 इससे आगे, 750 इससे आगे, तो यहां को इसको ये पता चल जाएगा यार यहां पे अर्निंग पोटेंशियल तो है, और इसके दिमाग में ये भी चीज चलेगी कि यार मैं तो किसी को ज्वाइन करा रहा हूं, ठीक है, मुझे तो सिर्फ उसका 15% ही मिल रहा है, लेकिन 5% मेरा ऊपर वाले को जा रहा है, तो इसके दिमाग में हाइप बन जाएगी यार मुझे अब 2CC करना पड़ेगा कैसे भी करके, क्योंकि मैं जिसकी भी ज्वाइनिंग करा रहा हूं उसका कुछ ना कुछ परसेंट मेरे ऊपर वाले को जा रहा है। ये कभी नहीं चाहेगा, अगर देखो मैं रियलिटी बताऊं, ये कभी नहीं चाहेगा कि मेरा जो बोनस है वो 5% ऊपर वाले को भी जाए, क्यों जाए, वो 20% अपने पास खुद रखेगा ना, तो ये टाइम ये कोशिश करेगा कि मैं 2CC करूं कैसे भी करके। ठीक है, तो यही मार्केटिंग प्लान है, यहीं से आप समझ सकते हो कि यहां से पहले लोगों को ये पता लग जाएगा अर्निंग पोटेंशियल है या नहीं, जैसे उनको पता लगा यहाँ पे अर्निंग पोटेंशियल है तो डेफिनेटली वो 2CC करने की सोचेंगे, सो दैट अब इसने 2CC कर ली, अब कोई ज्वाइन करता है तो पूरा 20% ही आएगा इसको, लेकिन 5000 के बाद ही अगर ये किसी को ज्वाइन कराता है तो इसको 15% ही आएगा। ठीक है, अब एक और बढ़िया बात बताता हूँ, जैसे ये असिस्टेंट सुपरवाइजर है, ठीक है, ये इसके नोवस कस्टमर है 5000 वाला, एक बंदा आया इसके डाउन में जो आ, और ये कर गया एएस, इसने कर लिया एएस, ठीक है, और इसने अगर एएस नहीं करा, अगर इसने भी एएस कर लिया इसके साथ साथ, इससे पहले पहले इसने एएस कर लिया, तो इसको इससे आएगा 6000 रुपए, मतलब 20%, लेकिन इसने एएस कर लिया और इसने एएस नहीं करा तो इसका क्या होगा, 15% इसको जाएगा और 5% चला जाएगा ऊपर वाले को। ठीक है, अब फॉरएवर में ये होता है कि अगर नीचे वाला कोई लेवल अचीव कर लेता तो ये भी लेवल अचीव कर लेता है, तो अगर ये एएस बन गया इसके नीचे वाला, ये अगर एएस बन जाता है और ये नोवस कस्टमर अभी 5000 वाला, तो ये भी असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाएगा। यस गाइस, यू हियर इट राइट, ये भी असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाएगा, लेकिन दैट इज नॉन रिकॉग्नाइज, ना उसको कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, सिर्फ वहां लिखा आएगा कि असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गया, लेकिन इसको कोई रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, इसको 35% ऑफ भी नहीं मिलना स्टार्ट होगा, इसको कुछ नहीं होगा, ये अभी भी 15% ही अवेल कर रहा होगा, ये अभी भी किसी को ज्वाइन करा सकता है, 15% ले सकता है, 5% ऊपर वाले को जाएगा, लेकिन अगर ये एएस कर लेता है तो ऊपर वाले को कुछ नहीं जाएगा, ऊपर वाले को डायरेक्ट 6000 इससे कमा सकता है। सो ये पावर हो गई है यहाँ पे मार्केटिंग प्लान की, गाइस यहाँ पे बहुत अच्छा एक अर्निंग पोटेंशियल हो गया है, क्योंकि ये बंदा अगर 5000 रुपये लगाए, सोचो इसके पास 30000 नहीं है, चलो कैसे भी करके ये 5000 रुपये लगा के अगर सोचो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये कितनी भी ज्वाइनिंग करा सकता है, लिमिटलेस ये ज्वाइनिंग करा सकता है ना 5000 करके, तो इसको 15% तो आ ही रहा है ना,
सोचो 5,000 लगा के कितना अर्निंग पोटेंशियल ये कर सकता है। हाँ ये जरूर होगा 15% इसको आएगा, 5% ऊपर वाले को चले जाएगा। अगर ये थोड़ा सा भी खुराफाती होगा तो ये सोचेगा कि यार पहले मैं 2CC कर लेता हूँ सो दैट 5% ऊपर वाले को ना जाए, क्योंकि 20% इसको ही चाहिए। लेकिन अगर ये बिल्कुल ही ऐसा है कि यार मुझसे नहीं होगा, 30,000 ये नहीं कर पाएगा, तो क्या कर सकता है ये, फिर भी इसका अर्निंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। कहीं ना कहीं ये AS, अगर कोई इसके नीचे AS करता है तो उसका 15% जाएगा। सोचो इसका 15% कितनी बड़ी अमाउंट होती है, ठीक है। और अगर ये 5,000 कोई 5,000 वाला करता है, कि क्योंकि ये 5,000 वाला है तो ये ज्यादातर लोगों को ऐसे लेके आएगा जो 5,000 करेंगे, 5,000 से इसको 750 रुपये मिल रहे हैं, 250 रुपये ऊपर वाले को मिल रहे हैं। इससे इजी कुछ बिजनेस नहीं हो सकता, मैं बता रहा हूँ। बहुत ज्यादा क्लियरिटी से मैंने आपको बताया ये चीज, जिससे आपको बहुत ज्यादा समझ में भी आएगी। चाहे एक बार दोबारा सुन लो, असिस्टेंट सुपरवाइजर नोवस कस्टमर, 5,000 रुपये की बिलिंग कैसे भी कर लो, चाहे कैटलॉग खरीद लो, चाहे कुछ भी खरीद लो, कुछ भी करके खरीद लो, क्योंकि बहुत सारी एसेसरीज भी आती है, बैग्स वगैरह, वो भी करके अगर आप 5,000 की बिलिंग कर लेते हो तो अब आप एक ऐसे बन जाते हो, एक ऐसे मोड़ पे आ जाते हो, सो दैट आप लोगों को ज्वाइन कराना स्टार्ट कर सकते हो। सारे लोगों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आया होगा, जो नोवस कस्टमर है 5,000 रुपये वाला, ये क्या जिंदगी भर पैसा कमा सकता है? यस, ये 15% जिंदगी भर अवेल कर सकता है, किसी को भी ज्वाइन कराए और 15% ले ले, किसी को भी AS बनाए, जितने AS ये बना सकता हो 5,000 में कर सकता है, जितने AS बना सकता है 15% इसको मिलेगा ही। लेकिन अगर इसके नीचे कोई आगे असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गया, फिर सुपरवाइजर बन गया, तो ये सुपरवाइजर भी बन जाएगा, लेकिन वो भी अनरिकॉग्नाइज्ड सुपरवाइजर बनेगा। वहां पे जो सुपरवाइजर को जितनी भी चीजें डिस्काउंट वगैरह ज्यादा हो जाता है, कुछ नहीं मिलेगा, ये सिर्फ 15% ऑफ पे ही रहेगा। इससे ज्यादा 15% डिस्काउंट से ज्यादा कोई कुछ नहीं ले सकता ये। लेकिन हाँ, एक फायदा है, ये 5,000 रुपये लगा के जितनी ज्यादा ज्वाइनिंग करा सकता है करा सकता है, और अपनी टीम बिल्डअप कर सकता है। लेकिन जैसे ही अगर इसको लगता है कि हाँ मैं 5-6 बंदे अच्छे अच्छे मेरी टीम में आ गए, तो उसी टाइम ये AS करके रिकॉग्नाइज बन सकता है, और कहीं ना कहीं बहुत बड़ी इनकम, बहुत बड़ी टीम अपने लिए खड़ी कर सकता है। अब मान के चलते ये AS है, ये नोवस कस्टमर है, और नोवस कस्टमर ने 5,000 रुपये की बिलिंग करी, एक को ज्वाइन कराया जो AS बन गया, ये AS बन गया। सोचो इसने सिर्फ 5,000 रुपये लगाए हैं, AS बन गया, तो AS को इससे कितने मिलेगा? 15%। दैट मीन्स 30,000 का 15% 4,500 रुपये तो उसको इससे एवे मिल जाएंगे, और 1,500 रुपये इससे इसको चले जाएंगे। तो सोचो इसके दिमाग में लगेगा नहीं कि यार मैं यहाँ पे ज्वाइनिंग करा रहा हूँ, मेरे से 1,500 रुपये इसको जा रहे हैं, तो क्यों ना मैं AS ही कर लूँ, इसके दिमाग में यही आएगा। और अर्निंग पोटेंशियल देखो, इसने सिर्फ 5,000 ही लगाए हैं, लेकिन एक ज्वाइनिंग से AS वाली से इसको आ गए 4,500 रुपये। अब इसके दिमाग में ये रहेगा, मैं ज्वाइनिंग कर रहा हूँ, ये जितनी ज्यादा ज्वाइनिंग करा गया, इसको अर्निंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। मतलब कोई 5,000 रुपये भी लगा के बिना AS बने भी यहाँ पे बहुत पैसा कमा सकते हैं। वैसे तो मैं सबको ये बोलूंगा, आप AS बनने की कोशिश करिए जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि आपका बिना मतलब का जो 1,500 रुपये भी जा रहा है वो ऊपर वाले को जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज रोकिए, यहाँ पे AS बनने की कोशिश करिए, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इनकम आप जनरेट कर सकते हो यहाँ से, और डेफिनेटली बहुत सारा आप इनकम अपने लिए जनरेट कर सकते हो सिर्फ 5,000 रुपये लगा के। यस गाइज, 5,000 रुपये से ही अब ज्वाइनिंग हो सकती है, और वो सब आपको फॉरएवर ऐप से ही करना पड़ेगा, क्योंकि 1 फरवरी के बाद आपकी वो सारी बंद हो जाएंगी, जितने भी अभी एलो स्टोर वगैरह सब, वो www.foreverliving.com जो चल रही थी, वो सब चीज अभी बंद हो जाएगी, जिस तरह से पहले ज्वाइनिंग कराते थे, अब सिर्फ फॉरएवर ऐप से काम चलेगा। फॉरएवर ऐप से काम करिए, यू विल डेफिनेटली गेट रिजल्ट्स। सो गाइस, बीच में एक बात बोलना चाहूंगा, अ गुड डिजाइन इज अ गुड बिजनेस। हमें पता है अगर हमारा डिजाइन बहुत अच्छा होगा तो हमारा बिजनेस भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, ठीक है। देखो जैसे मैंने अपने सेकंड बिजनेस अपने स्टार्ट किया था, सक्सेस मंत्रा अकेडमी के नाम से, ये मैंने अपने लोगो डिजाइन किया था उस टाइम, और ये ब्रोशर्स बनवाया था। अभी ब्रोशर्स मैंने किससे बनवाया था? एक फ्रीलांसिंग कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, दैट इज सिंपली बिज करके है। अगर आप उसके बारे में कुछ भी जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारी चीजें उसके दे रखी हैं, आप उनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हो और आप उनके चीजें भी देख सकते हो क्या क्या आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आपको वेबसाइट डिजाइनिंग चाहिए, आपको वेबसाइट डेवलपमेंट चाहिए, आपको वेबसाइट में मेंटेनेंस चाहिए, आपको कॉन्टेंट मैनेजमेंट चाहिए, ठीक है, आपको सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट चाहिए, आपको लोगो क्रिएशन चाहिए, या फिर आप ऐसी अच्छी अच्छी पोस्ट, कोई ग्राफिक डिजाइनिंग के साथ कुछ पोस्ट बनवाना चाहते हो, सो दैट विल दे विल हेल्प दे विल डेफिनेटली हेल्प यू। आपको सिर्फ ये काम करना है, आपको उनकी वेबसाइट पर जाना है या फिर उनको कॉल करना है, उनका मैसेज करना है, और आपको ये जरूर बोलना है कि मैं शुभम रोहेला के यूट्यूब चैनल से आया हूं। फिर आपको जो भी काम कराना है आप डेफिनेटली करा सकते हैं, आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट सिंपली बेस मेरी तरफ से डेफिनेटली दे सकती है। सो गाइज, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आओगे मार्केटिंग प्लान में क्या चेंजेस हुए हैं। बहुत सिंपल शॉर्ट में मैंने समझाने की कोशिश करी है, इससे आई थिंक आपको समझ में आ जाना चाहिए, और इस वीडियो को देखने के बाद किसी की वीडियो देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए आपको आई थिंक, लेकिन लग रहा है तो फिर भी देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हाँ, अगर आप ढंग से आपने इस वीडियो को देखा होगा तो कहीं ना कहीं आप समझ गए होंगे कि क्या चेंजेस मार्केटिंग प्लान में आए हैं, एंड दैट इज रियली वेरी वेरी ऑसम। अगर अभी भी कोई फॉरएवर नहीं कर पाया है, मतलब इस 5,000 के बाद भी नहीं कर पाया कोई,
तो मतलब नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए नहीं है, सॉरी यार, आप कोई और बिजनेस देख सकते हो, कोई आप और जॉब ढूंढ सकते हो, नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट फॉर यू। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कमेंट सेक्शन में अगर अभी भी आपकी कोई क्वेरी रह गई है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। वैसे तो मैं ट्राई करूंगा बताने की, बट अगर किसी ए बंदे ने कुछ कमेंट किया है और बी बंदे को उसका आंसर पता है, तो आप ऑलरेडी आप ऐसे भी एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, कमेंट में एक दूसरे को बता सकते हैं अगर उनको कुछ मार्केटिंग प्लान के बारे में और ज्यादा पता है, तो कमेंट सेक्शन में आप डेफिनेटली अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। सो गाइज, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर, बाय बाय।